पेश आया है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत जो कि 50 साल पुरानी थी और एक सिंगल पिलर पर टिकी हुई थी, उसके गिरने से 6 से ज़्यादा लोगों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोगों को मलबे से निकालने का काम किया जा रहा है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी चली है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पुंछ में अब आतंकियों और पुलिस बलों के बीच में मुठभेड़ देखी गई है। लगातार जैसे जैसे चुनाव जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर डर का माहौल बनाने के आतंकवादियों द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी चली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। इनको ढेर अब किया जाएगा। कुछ ही ऐसे पल बीत रहे हैं जब इन घेरे हुए आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पूरी तरह से कोशिशें जो की जा रही हैं डर का माहौल बनाने की जा रही हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए पुंछ में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ अब देखी जा रही है, एक के बाद एक लगातार अलग अलग इलाकों में ये आतंकी अब सिर उठा रहे हैं और हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आए हैं। देखिए बिल्कुल, कोशिश पाकिस्तान की और आतंकियों की यही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें खलल डाला जा सके, और इसी के चलते लगातार आप देखें तो आज चौथा दिन है और चौथे दिन चौथी मुठभेड़ जो है इस वक्त चल रही है। लगातार सुरक्षा बलों को इस चीज़ के इनपुट मिल रहे थे कि जंगलों में बैठे आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकल कर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हमने देखा कि पहली मुठभेड़ जो शुरू हुई उसमें नौशहरा में जो है कुछ दिन पहले जो है 2 आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, उनको मार गिराया गया था। बीती रात भी जो है नौशहरा में आपको बताऊँ कल भी जो है इसी तरह से एक घुसपैठ के प्रयास हुए थे जिसे विफल कर दिया गया। इसी तरीके से कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर में इसी तरह से एक मुठभेड़ हुई, वहाँ पर 2 आतंकी मारे गए, 2 सैनिक जो है वो डोडा में शहीद हुए, किश्तवाड़ में शहीद हुए जहाँ पर एक मुठभेड़ हुई थी। और अब पुंछ का जो गुरसई का इलाका है वहाँ पर एक मुठभेड़ चल रही है, और खासतौर पर गुरसई की बात करें तो यहाँ आपको बता दूँ कि कुछ समय पहले जो है सेना की काफिला जो है इसी जो जम्मू पुंछ हाईवे है वहाँ पर उसको निशाना बनाया गया था, मगर अब अगर आप देखें तो गुरसई में जो आतंकी 3 से 4 हो सकते हैं इनके छुपे होने की जानकारी वहाँ पर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वहाँ पर जो है इनकाउंटर शुरू हुआ है। जो जानकारी है ये 3 से 4 आतंकी जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं, और इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ये चुनावों से पहले हालात ख़राब करने की थी या किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी, मगर समय रहते सुरक्षा बलों को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ जो है एक बार फिर से जो ताज़ा मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। इस वक्त हैवी गोलाबारी जो है वहाँ पर चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जंगलों में छुपे आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो लगातार ये हरकतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में क्या सुरक्षा बलों की संख्या भी अब बढ़ाई गई है? देखिए लगातार सुरक्षा बलों की संख्या जो अगर आप देखें तो बढ़ाई गई है, 300 से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं जिसमें CRPF, ITBP और तमाम जो CISF के जवान हैं उनको BSF को जो है यहां पे तैनात किया गया है ताकि चुनावों की प्रक्रिया को जो है स्मूथ तरीके से चलाया जा सके। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें कई सुरक्षा बलों के जवान जो हैं जिसमें पुलिस, आर्मी और CRPF शामिल है, उनको अलग अलग जगह पर जो है खासतौर पर जंगलों के इलाकों में तैनात किया गया है। एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया था, जो 19 एंटी टेरर यूनिट्स हैं वो इस वक्त अलग अलग इलाकों में जो हैं वो सक्रिय हैं, और पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के उसमें जो कोई खलल ना डाल सके आतंकी उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के हैं उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी गई है। और इसी के मद्देनजर अगर आप देखें तो इस वक्त पुंछ में जो मुठभेड़ चल रही है जल्द ही इन आतंकियों का भी सफाया होगा, इस चीज़ को सुनिश्चित करने में सुरक्षा बल लगे हुए हैं।